दोस्तों जब से नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान सस्ते किए हैं तब से बहुत से लोगों ने सब्सक्रिप्शन तो ले लिए, लेकिन कुछ गिनी चुनी वेब सीरीज जैसे स्क्विड गेम, ऑल एस आर डेड वगैरह वगैरह देखने के बाद उनके पास देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं है और वो बस स्क्रॉल करते रहते हैं कि आखिर क्या देखा जाए। अब इन्हीं समस्याओं का हल निकालने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको नेटफ्लिक्स पर मौजूद 5 ऐसी साइंस फिक्शन सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से कुछ तो आपका दिमाग हिला देंगी और कुछ आपको इतना एंटरटेन करेंगे कि क्या ही कहा जाए। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लिस्ट को। नंबर 5, रिक एंड मॉर्टी। दोस्तों कौन कहता है कि अमेरिकन कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए ही होते हैं। एक बार इस शो को अपने माँ बाप के सामने चलाकर देखो, जायदाद से बेदखल ना कर दिया जाए तो मेरा नाम बदल देना। खैर जोक्स अपार्ट, रिक एंड मॉर्टी कहानी एक बूढ़े साइंटिस्ट रिक की है जो कि अपने पोते मॉर्टी के साथ एडवेंचर्स पर जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसे किसी नॉर्मल एडवेंचर शो की तरह देखने जा रहे हैं तो भूले से भी ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ऐसे माइंडसेट के साथ देखने के बाद आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। इस अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम में रिक को यूनिवर्स का सबसे जीनियस शख्स बताया गया है। जी हाँ, प्लैनेट या गैलेक्सी का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बुद्धिमान शख्स। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और अपने इन्हीं एडवेंचर्स में ये कितरेत्सु की तरह बच्चों वाले आविष्कार नहीं करता बल्कि सेक्स डॉल से लेकर रियलिटी शटर कर देने वाले तक इस बुड्ढे ने सब कुछ बनाया है। और आप मानोगे नहीं पर वो डॉल इसके पोते ने यूज की थी। ये शो इतना ज्यादा वाइल्ड चला जाता है कि आपके अंदर के हरामी इंसान को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। पर कभी कभी ये शो इतना बियॉन्ड भी जाता है कि आपको उस एक एपिसोड को 2 बार देखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आखिर उस एपिसोड में हुआ क्या। अभी तक इसके 5 सीजन आ चुके हैं जिनमें तकरीबन 51 एपिसोड और इसका 6ठा सीजन अभी नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नए एपिसोड के साथ रिलीज हो रहा है। तो अगर आप उसी रेगुलर एनिमेटेड कंटेंट से बोर हो चुके हैं तो इस शो को एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 4 पर है द 100। दोस्तों रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या कोई भी बड़ा महासंग्राम, हर इंसान इस बात से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है कि जब भी धरती पर परमाणु युद्ध होगा इस धरती की सारी मानवता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और धरती पर मौजूद कोई भी शख्स नहीं बचेगा। और द 100 हमें यही चीज दिखाती है। इस सीरीज में कहानी उन 100 लोगों की है जो पिछले 97 सालों से एक स्पेस स्टेशन में रह रहे थे जिसका नाम था द आर्क। दरअसल धरती पर एक न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से स्पेस स्टेशन पर मौजूद तकरीबन 2400 लोग यही माना करते थे कि धरती पर इंसानों की सारी आबादी खत्म हो गई है और स्पेस स्टेशन पर रहना ही उनका आखिरी विकल्प है। लेकिन 97 सालों के बाद उन्हें रिसोर्सेस की कमी महसूस होने लगी जिसके बाद अपने ग्रुप में से 100 लोगों को उन्हें धरती पर जांच करने के लिए भेजा कि क्या वहां पर रहना सुरक्षित होगा या नहीं। अब यहां तक तो पूरी कहानी सही है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब धरती पर आने के बाद उन्हें यह पता लगता है कि उस प्रलय से भी कुछ इंसान जिंदा बच गए हैं। अब धरतीवासी इन 100 लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे या ये उन्हें जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं, ये तो आपको सीरीज में ही पता चलेगा। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि 7 सीजन में सबसे एग्जैक्टली 100 एपिसोड्स है जो इसके टाइटल को जस्टिफाई करता है। और अगर आप सर्वाइवल सस्पेंस स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं तो कुछ अलग देखने के लिए और अपने आप को लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखने के लिए इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। मैंने पर्सनली इसके 100 एपिसोड्स देखे हैं और जैसे जैसे एक एक सीजन पार होगा ना वैसे वैसे कहानी और ज्यादा अलग मोड़ लेती जाएगी जो कि मेरे दोस्त आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 3 पर है लॉस्ट इन स्पेस। अब दोस्तों अगर आप किसी ऐसे शो की तलाश में हैं जिसे बच्चे साथ में देख सके और जिसमें साइंस फिक्शन का भरपूर मसाला हो तो लॉस्ट इन स्पेस एकदम परफेक्ट एग्जांपल है एक पारिवारिक शो का। हाँ, बस अगर परिवार 5-6 किसिंग सीन अफोर्ड कर सकता है तो। अब ये कहानी है बेसिकली रॉबिन्सन फैमिली की एक ऐसे प्लेनेट की ओर जहाँ पर वो मानवता को वापस से रीस्टैब्लिश कर सके, लेकिन रास्ते में ही उनकी स्पेसशिप में खराबी के कारण ये किसी ऐसे ग्रह पर चले जाते हैं जहाँ पर इनके साथ क्या होने वाला था इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब सोचो अपने ग्रह या अपने मंजिल से 1-2 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि सीधा लाइट ईयर्स की दूरी पर अगर आप किसी अनजान ग्रह पर फंस जाए तो आप वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इस कहानी में हमें यही दिखाया गया है। 3 सीजन्स की इस पूरी सीरीज में आपको रोबोट्स मिलेंगे, अलग अलग क्रिएचर्स भी मिलेंगे और ढेर सारा मजा भी मिलेगा। हाँ, बस बीच बीच में कहानी बहुत स्लो लगने लगती है, लेकिन अगर कुछ देखने को ना मिल रहा हो तो इसे भी चेकआउट जरूर करना, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। नंबर 2 पर है ब्लैक मिरर। दोस्तों हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सीरीज का नाम भी ना सुना हो, लेकिन यकीन मानिए ये नेटफ्लिक्स पर मौजूद सबसे अंडररेटेड साइंस फिक्शन शोज में से एक है। दोस्तों ब्लैक मिरर बेसिकली एक ब्रिटिश एंथोलॉजी सीरीज है, यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसके हर एपिसोड में अपनी अलग अलग कहानी होती है और इसके सारे एपिसोड्स हमें
हमें पॉलिटिक्स से लेकर ह्यूमैनिटी तक कई चीजों की टेक्नोलॉजी के दायरे में ऐसे डार्क फेजेस दिखाती है जो शायद इंसानियत को आगे देखने भी पड़े। इसके कुछ एपिसोड्स इतने बेहतरीन है कि अगर वो अपने आप में किसी मूवी की तरह प्रमोट किए जाए तो शायद उनका अपने आप में अच्छा खासा फैन बेस होता। एग्जाम्पल के लिए इसका एक एपिसोड है हेटेड इन द नेशन, जो इतना माइंड बॉगलिंग है कि आपको अंत तक इस बात का सस्पेंस बना रहेगा कि आगे अब क्या ही हो सकता है। अभी तक इसके 5 सीजन आ चुके हैं और 6ठा सीजन भी आ जाता अगर बीच में कोविड नहीं आता तो। अब यहाँ पर मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगा कि अभी तक बताए गए सारे शोज को ट्राई करना हो तो करना, वरना जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन ब्लैक मिरर के पहले सीजन को तो एक बार एक चांस जरूर देना। एंड बिलीव इट, आपके सामने साइंस फिक्शन की ऐसी ऐसी चीजें आने वाली है जो आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं इमेजिन किया होगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है, तो हैरान रहने के लिए तैयार हो जाना। हाँ, एक और बात ये कि इसके 90% एपिसोड्स पारिवारिक नहीं है, तो इन्हें बहुत ही खोपचे में जाकर देखना। बाकी 10% फैमिली को भी दिखा सकते हो अगर उनके साथ कुछ इंजॉय करना है तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 1 पे आता है डार्क। दोस्तों, अगर आप उन कुछ लोगों में से एक है जिन्होंने अभी तक डार्क नहीं देखी है तो आपको कोई हक नहीं है अपने आप को साइंस फिक्शन या टाइम ट्रैवल फैन कहने का, क्योंकि अगर आपने टाइम ट्रैवल की सबसे पेचीदा स्टोरी नहीं देखी तो अब तक आप देख क्या रहे थे। बेसिकली डार्क कहानी है विंडन नाम के एक शहर की, जहां पर टाइम ट्रैवल का ऐसा लोचा होता है कि आपको हर एपिसोड के बाद 10 मिनट ये सोचने के लिए लग जाएंगे कि जो टाइम ट्रैवल हुआ वो किसने कौन सी सदी में किससे मिलने के लिए किया। और एक सलाह मैं यहाँ फ्री में दे रहा हूँ कि इसमें जो रिलेशंस हैं उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। बिना स्पॉयलर्स दिए बता रहा हूँ कि इस सीरीज में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और बाद में ये पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी मौसी थी, क्योंकि उसके खानदान के साथ पास्ट में टाइम ट्रैवल का लोचा हुआ था जिस वजह से जिसके साथ उसे पलंग तोड़नी थी उसके साथ पलंग पर झूला झूलने वाला रिश्ता बन गया। अब बताओ जिसको मौसी कहना चाहिए था उससे ऐसा रिश्ता निकलने के बाद तो 3 ही लफ्ज निकलेंगे, मौसीची। वैसे आप इनमें से कौन सी सीरीज को सबसे पहले देखना पसंद करोगे, या अगर आप इनमें से कोई देख चुके हो तो उसे आप 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपनी टॉप 3 पिक्स बताऊं तो डार्क, ब्लैक मिरर और रिक एंड मोर्टी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि ये तीनों ही सीरीज हमें सब कुछ इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाती है जिस मैजिक को दोबारा से रिक्रिएट करना काफी मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी दूसरे अच्छे मूवीज को सजेस्ट करूं और इस लिस्ट को आगे बढ़ाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ। अगर कमेंट ज्यादा हो तो मैं डेफिनेटली इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।